तो हेलो हेलो, कैसे दोस्तों, आप लोग एक और नया वीडियो में आप सभी का वेलकम है। तो भाई देख पाए इस वाले वीडियो में ना, मैं आपको यार कल वाले का आधे मॉड्स दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब ये पूरे का पूरा एक एजेंडा, ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉड्स थे। हाँ भाई देखो, जो भी जो बढ़िया बढ़िया वाला मॉड था ना, वो हाफ मैं आपको कल वाले मॉड में बता दिया था, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको मन होगा तो फर्स्ट पार्ट देख लेना, और जो हाफ जो बचा है ना, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। और भाई देखो, इस वाले मॉड में ना बहुत सारे ऐसी चीजें हैं ना, जो भाई एकदम से बकवास है, ठीक है। उसको खेलने में आपको कुछ भी मजा नहीं आएगा, इसीलिए भाई मैंने अपने मन से ना चुन चुन के जो भी जो मेरे को बहुत बढ़िया और यूनिक यूनिक टाइप के लगे ना, वो मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो भाई जो सबसे पहले ना, वो यार बीच अमरेला है, ठीक है। अब भाई देखो यार, ये ना आपको बहुत सारे कलर में आएंगे। अब जैसे कि एक ये वाला कलर हो गया, ठीक है, एक ये वाला कलर हो गया, ये तो भाई पता ही ऊपर में लग गया। चलो मैंने दोनों को गर्म कर दिया, ठीक है। देखो एक ये वाला हो गया, ठीक है, और एक ऐसा कुछ ये वाला कलर का, फिर एक ये वाला कलर का, मतलब बहुत सारे इसमें कलर है। इसमें रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये ऐसा कुछ है ब्लू वाला। अभी देखो इनमें खासियत क्या है ना, कि इनको आप बंद खोल भी कर सकते हो। मान लो कि अगर आपको ये अम्ब्रेला नहीं चाहिए ना, बीच वाला अम्ब्रेला, तो इन पे आपको ऐसा कुछ क्लिक करके रखना है, ऐसा कुछ बंद हो जाएंगे, ठीक है। मान लो कि अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए ये, तो आप ऐसा कुछ बंद कर देना, ऐसा कुछ बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा कुछ, मतलब इसमें जो कलर्स है ना, वो बहुत ही अलग अलग तरह के भी है। मतलब आप सनवन के नीचे इनको लगा के इसलिए से बैठ सकते हो, और देखने में भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है। अब मैं आपको अगला वाला आइटम दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो अगला वाला है ना, वो मैं आपको कल ही एक टेंट दिखाया था, कल वाले मोड में भी और इस वाले मोड में भी एक टेंट है, ठीक है। लेकिन देखो यार, मैं सच बता रहा हूँ, जो कल वाला मोड टेंट था ना, वो मेरे को ज्यादा बढ़िया लगा था, शायद से आपको भी वही वाला ज्यादा बढ़िया लगेगा। लेकिन हाँ ये भी है, ठीक है, मतलब ये जो टेंट है ना, ये छोटा वाला है, ठीक है। और यहाँ से देखो एक खिड़की टाइप का भी बना हुआ है, यहाँ से आप अंदर को देख सकते हो। और देखो इसका क्या मैकेनिक्स है ना, कि यहाँ पे सिंपली आपको जाना है, और जाने के बाद ऐसा कुछ आप करोगे ना, तो इसके अंदर में आ जाओगे, ऐसा कुछ डबल बार टाइप करोगे तो बाहर में आ जाओगे, ठीक है। मतलब आप इसके अंदर बैठ के बाहर का नजारा देख सकते हो, ऐसा कुछ बाहर का नजारा देख सकते हो। और जो मैंने कल वाला आपको टेंट बताया था ना, उसमें आप बैठ के उसका गेट खोल के नजारा ले सकते हो, और उसके अंदर आप कुछ भी लाइट्स वाइट्स बेड बेड जो भी मैंने वो भी आप उसमें लगा सकते थे, ठीक है। तो मेरे को एक थोड़ा वो वाला टेंट था ना, वो मेरे को थोड़ा ज्यादा पसंद आया। अब देखो जो मैं आपको अगला वाला चीज दिखाने वाला ना, वो यार एक रिक्लाइनर है, ठीक है। इसको आप ऐसा कुछ बैठोगे तो देखो, जैसे आप इसको बैठोगे ना, तो आपने ये वाला एनिमेशन देखा, ऐसा कुछ पीछे की तरफ चल जाता है। यहाँ से एक बार और मैं दिखाता हूँ, ऐसा कुछ बैठोगे तो देखो ये पीछे का चला जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ऐसा झुक कर बैठोगे, तो इसलिए ये रिक्लाइनर है। अब मैं आपको अगला वाला दिखाता हूँ, अगला वाला जो है ना, वो एक टीवी है, ठीक है। इसको आप देखो ऐसा कुछ क्लीन से ओपन कर सकते हो, ऐसा कुछ देख रहे हो, ऐसा कुछ आप इसको बंद कर सकते हो, ऐसा कुछ ऑन कर सकते हो। और हाँ ये वाला जो टीवी है ना, ये रात में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको रात करके दिखाता हूँ ना, तो देखना बढ़िया लगेगा कितना ज्यादा। यहाँ पे देख रहे हो, और मतलब ये है ना, ये मतलब वर्किंग है, ठीक है। ऐसा कुछ इस पर कुछ डिस्प्ले हो रहा है। अब देखो माइनक्राफ्ट में तो अब इतने हाई लेवल के टीवी नहीं है, ठीक है, लेकिन भाई ये वाला है ना, इसमें एटलीस्ट कम से कम एनिमेशन है, ठीक है। और एनिमेशन के साथ साथ ये इसमें लाइट भी है, ठीक है, मतलब इसमें रियल का लाइट आ रहा। नहीं तो भाई ज्यादातर जो मोड्स होते हैं उसके टीवी में भाई कुछ कुछ लाइट वाइट मतलब कुछ आते ही नहीं है, सिंपली ऐसे ही बस गिमिक टाइप का रहता है, ऐसे ही झूठ फूट का वो टीवी रहता है। तो इसमें यार एटलीस्ट लाइट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे ना, तो इस साइड देख रहे हो ऐसा कुछ चमक रहा है। तो इन सारे टीवी को आप ऑन कर सकते हो, ऐसा कुछ देख रहे हो, ऐसा कुछ इसको भी आप ऑन कर सकते हो। हाँ, और हाँ इसको ऑन करने के लिए ना आपको चाहिए फ्लिंट स्टील, ऐसा कुछ आप करोगे तो ऑन हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ करोगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए फ्लिंट स्टील। अब जो देखो मैं आपको जो अगला वाला चीज दिखाने वाला हूँ ना, वो यार एक कॉफी मेकर है, ठीक है। अब इसमें आप सिंपली से ट्रेड कर सकते हो। अब देखो इसके इंग्रेडिएंट्स ट्रेड करने के लिए ना, यहाँ पे आप जाओगे ना ऐसा कुछ नीचे में मॉड्स के, तो यहाँ पे मान लो कि ऐसा कुछ आप क्लियर करके और नीचे में जाओगे ना, तो नीचे में देखो यहाँ पे सारा आपका इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला आप जो कप ऑफ देख रहे हो ना, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ जो वहाँ पे दिया हुआ है ना, कप और ये वाला इंग्रेडिएंट, ठीक है, कप और कॉफी पॉट, ठीक है। तो वो दोनों को आप यूज करके वहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, कॉफी वाले में। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि भाई ये कॉफी वाला मत यूज करो। देख रहे हो इसका जो टेक्सचर है ना, वो बहुत ज्यादा घट गया है। यहाँ पे देख रहे हो, मतलब उतना ज्यादा खेलने में कुछ मजा नहीं आएगा, इसलिए यार मैं थोड़ा सा इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो देखो जो अगला वाला चीज है ना, वो यार बीबी क्यू है, ठीक है। अब भाई देखो यार, इसको भी ऑन करने के लिए ना आपको चाहिए फ्लिंट स्टील, तो ऐसा कुछ करके आप ऑन कर सकते हो। लेकिन भाई इसमें भी वही वाला चीज है, इसमें भी आपको ऐसा कुछ ट्रेड करना पड़ेगा, और देन ट्रेड से आप कोई भी पका हुआ सामान खा सकते हो। लेकिन इसमें यार एटलीस्ट ये चीज है ना, कि इस पर आप खाना रख के तो नहीं पका सकते, लेकिन एटलीस्ट इसका जो धुआं निकलता है ना, तो वो थोड़ा सा देखने में बढ़िया लगता है, ठीक है। तो वो तो यार थोड़ा कैंपिंग एक थीम देने में काम आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि अगर आप कैंपिंग वैम्पिंग कर रहे हो और इसको रखोगे तो थोड़ा ज्यादा मतलब बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो इसको तो आप कैंपिंग के थीम में यूज कर सकते हो, और इसमें तो कुछ फीचर भी है, एटलीस्ट इसमें धुआं तो निकल रहा है ना। तो भाई लोग यही वाला था यार आज का मोड। तो भाई लोग यार मोड कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और भाई यार वीडियो अच्छा तो भाई लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। तो यार मिलते हैं नए वीडियो में।